मंत्री बाबूलाल गौर ने आज एमपी नगर राज्य सर्किल के जाटखेड़ी में मुख्यमंत्री आश्रय योजना के तहत झुग्गीवासियों को आवासीय पट्टे वितरित किए। और गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने न्यूज लेटर मानव सेवा ही माधव सेवा का विमोचन किया। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरेरा हिल्स पर 53 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के विकास भवन सह ई गवर्नेंस सेंटर की आधारशिला 8 सितंबर 2013 को समारोह में रखेंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन विशेष अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री विट्ठल भाई पटेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। चौहान ने कहा है कि पटेल ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में अर्पित किया। वे उद्यमी और कवि हृदय के थे। शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं जनसंपर्क और संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने प्रदेश के पूर्व मंत्री और सुप्रसिद्ध गीतकार विट्ठल भाई पटेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शर्मा ने कहा है कि पटेल हमेशा सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। राज्यपाल राम नरेश यादव ने आज यहाँ श्रमजीवी पत्रकार महासंघ की वर्किंग कमेटी के समापन सत्र और सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों का कर्तव्य सजग और संवेदनशील रहते हुए समाज में व्याप्त नकारात्मक को तुरंत भाग कर उसे दूर करना है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज को नई दिशा देने की क्षमता रखने वाला सशक्त माध्यम है। वर्तमान समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में कई नए प्रयोग और परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आज जन संवेदना संस्था द्वारा प्रकाशित न्यूज लेटर मानव सेवा ही माधव सेवा का विमोचन किया। गुप्ता ने कहा कि जन संवेदना संस्था निराश्रित बेसहारा लोगों के पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार जैसे पुनीत कार्य करती है। इसके साथ ही ये संस्था अनेक जन सरोकार से जुड़ी है। संस्था के संचालक राधेश्याम अग्रवाल ने मानव सेवा ही माधव सेवा के संबंध में जानकारी दी। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि शहर में काम धंधे की तलाश में आए शहरी गरीब अब भयमुक्त होकर काम धंधा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आश्रय योजना में जिन व्यक्तियों को आवासीय पट्टे दिए जा रहे हैं उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। गौर आज एमपी नगर राजस्व सर्किल्स के जाटखेड़ी में आवासीय पट्टों के वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईएमएस टीवी न्यूज। नमस्कार।